नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गांव बलचंद्र में 8 वर्षीय बच्चे का शव 72 घंटे बाद नहर से हुआ बरामद। नाना ने ही दामाद के साथ रंजिश के चलते दोते को दिया था नहर में धक्का। थाना कैंट के अधीन आते गांव रहमानपुर में चोरों ने बड़ी निडरता से चोरी की घटना को दिया अंजाम। 25 तोले सोने के आभूषण चोरी कर हुए फरार। होशियारपुर में दसुहा पुलिस की गाड़ी से 2 नौजवान हुए फरार। दसुहा कोर्ट में पेश कर वापस होशियारपुर जेल में जा रहे थे छोड़ने। अरब हलचल विस्तार से। अमृतसर के गांव बलचंद्र में एक 8 वर्षीय बच्चे गुरअंशप्रीत को उसके नाना की ओर से नहर में धक्का देकर मार दिया गया था, जिसके चौथे दिन 72 घंटे बाद गांव गन्नेवाली की नहर के नज़दीक से बच्चे की लाश मिल गई है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे, तो वहीं मृतक बच्चे के पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में काफ़ी कलेश चल रहा था, जिसके चलते पत्नी अपने मायके घर रह रही थी, जिसके चलते गांव के सरपंच की ओर से इन दोनों का राजीनामा करवा दिया गया और उनकी बहू अपने घर वापस आ गई, जबकि उसका लड़का अपने ननिहाल में ही रह गया। और जब बच्चे के माता पिता उसे लेने के लिए ननिहाल गए, तो उसका नाना बच्चे को नहर की तरफ ले जा रहा था और बच्चे के नाना ने बच्चे को नहर में धक्का दे दिया। बरसात होने के कारण पानी का बहाव तेज होने के चलते बच्चे की लाश मिलने में काफ़ी समय लग गया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्चे के नाना के साथ जो और भी लोग मौजूद थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं थाना राजा सांसी के पुलिस अधिकारी हरचंद सिंह ने बताया कि यह बड़ी दुखदायी घटना है। 72 घंटों बाद बच्चे की लाश नहर से मिली है, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे के नाना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के साथ और कौन कौन शामिल है, इसकी पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत दुखदाई घटना वा। अज असी बच्चे की लाश जी बरामद कर ली है, तो पोस्टमार्टम लिए अं सिविल हॉस्पिटल लैके आए हैं। दोषी साड़ी गिरफ्त से रिमांड पर आ, पुछगिछ इनवैसटीगेशन जी फेयर तो पार्शल चल रही है, तो इस मुकदमे की तफतीश में असी अंतले अंजाम तक ऑन मैरिट लैके जावे, तो जिहड़ा दोषी आ उन्हूं वध तो वध सज़ा करावांगे। फिलहाल जिहड़ा वा जो साड़ी हुण तक दी इनवैसटीगेशन दौरान अमरजीत सिंह दोषी पाया गया वा, जिहड़ा साड़ी हिरासत 'च आ। मैं तुहानूं पहलां कहता जी, वो इनवैसटीगेशन दा पार्ट आ, उहदी पुछगिछ वख-वख एजेंसियां ने करनी आ। फेयर एंड पार्शल इनवैसटीगेशन होगी, साडा कोई कुछ नहीं लगता। जिहड़ा भी सामने आऊगा वो इस केस दे विच सज़ा होगा। मैट्रीमोनियल केस आ, मियां बीवी दी आपस दे विच कदी झगड़ा हो जाता है, कभी चलो सुला सफाई हो जाती है। तो परसों चौथ ही दोवें ने कोर्ट के अपनी सुला सफाई लिख के, तो कोर्ट के सारा कुछ अपना जो भी रिक्वायरमेंट से पूरी करके दे घर आ गए। यदा वीर का मैनू फोन आया कि भी जी हूँ आप करना चाहते हैं कि बच्चे का किदा करिए, तो मैं कोई गल नहीं, बच्चा सवेरे आप लेवे, बच्चा नानके ही है, कि वही गल आ। पर सानू जे पता हुंदा इस गल दा कि इदां वो कर सकदा, तो फिर तो अहीं रात ही दरख्वास्त दे के रात ही भावें बच्चा चक के लिआउणा पैंदा लै आउणा सीगा। बट बेहद शर्मनाक गल आ, बच्चे दी बच्चे वल वेख्या नहीं जांदा कि तुसीं उहदी तस्वीरां देख के भी तुहाडी रूह कंब जूगी कि इहो जिहा घनौने काम होंदे। थाना कैंट के अधीन आते गांव रहमानपुर में चोरों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने बड़ी निडरता से चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान चोर पहले घर में घुसे और फिर घर का एसी चलाया और आराम से शराब पी और उसके बाद सोना चुराकर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित इंद्रपाल ने बताया कि वह अपने परिवार सहित अपनी बेटी के घर जागरण पर भोगपुर गए थे। जब वापस आकर देखा तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि चोर उनके घर में से एक सोने का सेट, 2 सोने की चेन
चेन, 3 ईयरिंग्स, 6 सोने की अंगूठियां और एक डायमंड रिंग चोरी कर ले गए हैं। उनके मुताबिक कुल 25 तोले सोना चोरी हो गया है। वहीं इस संबंध में थाना कैंट की पुलिस को सूचित किया गया तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर कैंट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕੱਲ ਚਲ ਗਈ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 25 ਤੋਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ? ਕਿ ਵਜੇ ਕਿਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ, होशियारपुर में उस समय बड़ी खबर सामने आई जब 2 नौजवान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दसुहा पुलिस ने उक्त नौजवानों को गत दिवस नाजायज शराब के मामले में हिरासत में लिया था, जिन्हें अब होशियारपुर लाया गया। इस दौरान रास्ते में गांव काको के नजदीक वे फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी में से भागने में सफल हो गए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और दोनों नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि दसुहा अदालत में पेश करने के बाद इन दोनों को पुलिस होशियारपुर जेल में छोड़ने आ रही थी कि ये लोग फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी दसुहा और एसएचओ दसुहा भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। होशियारपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भाई की मामला कितने बंदे दसे जा रहे हैं? बंदे जी सानू 2 दस दे दोषी। अच्छा किस मामले च सीगे? एक्साइज दा मुकदमा सी। अच्छा कदों दर्ज होया सी मामला इहनां ते? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਅਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜੇਲ 'ਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। पंजाब में लगातार गौ मांस की तस्करी को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से इनके खुलासे किए जा रहे हैं। वह पंजाब पुलिस की ओर से तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जिसका ताज़ा मामला सामने आया थाना गुराया की पुलिस चौकी दोसांझ कला से, जहां पर शिवसेना बाल ठाकरे के नेता रोहित जोशी के साथ अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस पार्टी को साथ लेकर हड्डा रोड़ी में छापेमारी की, जहां पर देखा गया कि भारी मात्रा में गौ मांस को इकट्ठा किया हुआ है व उसको बर्फ में रखा गया है। इस अवसर पर रोहित जोशी ने कहा कि इससे पहले भी इस इलाके में लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने करीब 1 माह पहले भी यहां पर छापेमारी की थी। वह पुलिस पार्टी को गौ मांस पकड़वाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। वह मांस को टेस्ट के लिए भोपाल में भेज दिया था। उस समय भी इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग गौ मांस की तस्करी करने से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उन्हें फिर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पार्टी को साथ लेकर छापेमारी की तो वहां से पुलिस ने मांस को बरामद करके अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी उन्होंने लिखित शिकायत व अपने बयान पुलिस को दे दिए हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी फिलौर सिमरनजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सारे मामले की बारीकी से जांच की। इस अवसर पर दोसांझ कला चौकी के इंचार्ज गुरशरण सिंह ने बताया कि उन्होंने रोहित जोशी व उनके साथियों के बयानों के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें काबू किया है, जिनकी पहचान अवतार चंद, सुरेंद्र पाल, कलेम मियां मोहन, जोर कमियां के तौर पर हुई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। गोराया से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। चौंकी चार दसांझ कला अपनी फोर्स के नाल चौंकी अड्डा दसांझ कला मौजूद सी, ते मेरे को रोहित जोशी शिवसेना बाल ठाकरे के प्रधान जलंधर तो अपने साथियों समेत आए हैं, जिन्होंने दस्या भी पिंड कोट गरेवाल ते काले दे विचकार जिहड़ी हड्डा रेड़ी आ उत्थे जिहड़ा मरे पशु गावां वगैरह लिया के उन्हां दा मांस ला के उहदी तस्करी कीती जांदी है। रोहित जोशी जी दा बयान लिख के नाल गवाहां दे साइन करा के
एफ आई आर कट के अगे चल रहे हैं, जो तफ्तीश होएगी वो मुताबिक कार्रवाई अमल ले लेंगे। अरैसट तो मौके पर पांच बंदे काबू किए जी, जो जो उन्होंने सफा मिसल एविडेंस होएगी वो मुताबिक गिरफ्तारी पाई जाएगी। नाम हजे पूरे क्लीयर नहीं सानू जी, जो इन्होंने लिखाए है उन्होंने मुताबिक तुम असं दस दें। एक तो अवतार चंद है जी, दूसरा हैगा जी सुरिंद्रपाल, तीसरा हैगा आ कलीम मियाँ, एक हैगा महीन मोहीन और मोहन। शिकायत इन्हों दी आईयां सी, उहदे मुताबिक मौके ते जाके इन्हां नूं मोहतवारां दी सहमति दे नाल समझाया बुझाया गया सी भी तुसीं हड्डा रेड़ी दा काम आ, हड्डा रेड़ी दा काम करो भी, इस तरह का कोई गलत काम ना करो जिहदे नाल अपने मुल्क का माहौल खराब हुंदा है। पर अपनी हरकतों तो आवाज नहीं आए, फिर भी जिहड़ा मीट है ये कब्जे च लैके अगे असीं वैटनरी स्पैशलिस्ट नूं भेजांगे, मारा नूं जो मार रिपोर्ट देणगे उहदे मुताबिक अगे फर्दर कार्रवाई। केंद्र सरकार द्वारा 8वां रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां एक और हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश के युवाओं को संबोधित किया, तो वहीं जालंधर के BSF हेडक्वार्टर में भी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर जालंधर में 862वां युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान रोजगार मेले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में 51,000 से ऊपर युवाओं को रोजगार दिया गया है और जालंधर में 862 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस अवसर पर पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए युवाओं ने रोजगार मिलने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी व्यक्त किया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 2022 अक्टूबर के महीने साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यात्रा शुरू की थी। उस वक्त उन्होंने कहा सीगा कि असी 10 लाख अपॉइंटमेंट लैटर नियुक्ति पत्र जोड़े है बनते जाएंगे, तो 8 योजे रोज़गार मेला हो चुके हैं। मेरे वास्ते 7वीं बार है, मेरा सौभाग्य है कि 7 बार मैं शामिल होने का मौका मिलिया। आज जलंधर 860 साढ़े नौजवानों को यह नियुक्ति पत्र दिते जा रहे हैं। आज इतने फिजिकल प्रेजेंस हैगी 262 जो BSF CRPF ITBP SSB है, तो ओवरऑल देश भर आज 51,000 नियुक्ति पत्र दिते जा रहे हैं, तो जोड़ा टोटल फिगर हैगा ये अज सारे मिला के 480,000 हो जाता है। तो सिर्फ आज नियुक्ति पत्र नहीं सिर्फ दिते गए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारे को संबोधित किया है उन्होंने कहा कि उस वक्त साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है, बड़ा गर्व कि देश जिस तरीके नाल अगे बढ़ रहा है। हूँ चंद्रयान 3 के बारे तो सारे को बड़ी खुशी है, उसके अलावा भी साड़ी जिहड़ी इकोनमी है 2014 तो चलते चलते उस वक्त 10वें स्थान पर सी, अज असी 5वें स्थान पर पहुँच गए हैं, तो आने वाले कुछ समय साड़ी इकोनमी 3 स्थान पर होएगी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है, मैं पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आज भारत सरकार की इस पहल से हमें बहुत बहुत रोजगार प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें रोजगार के अवसर प्राप्त प्रदान किए। मेरा नाम रूबल है, मैं पंजाब के पठानकोट से हूँ। मैं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनकी दूरदर्शिता के दौरान हमें आज रोजगार मेला के अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। जो मेरा नियुक्ति है CRPF GD कांस्टेबल में हुआ है। मैं और मेरा परिवार भारत सरकार की इस पेशकश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पूजा है, मैं पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मुझे BSF में एज एन कांस्टेबल GD पोस्ट मिली है। भारत सरकार के इस रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र पाकर सपने साकार हुए, इस कार्यक्रम की दिल से तारीफ करती हूँ। संगरूर के सुनाम के सरकारी शहीद उधम सिंह कॉलेज में बड़ी गिनती में आउटसाइडर लड़के घूम रहे थे।
इस संबंधी पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद सुनाम के डीएसपी की ओर से बड़ी गिनती में पुलिस की टीमें शहीद उधम सिंह कॉलेज में भेजी गई, जहां उन्होंने कॉलेज के गेट बंद कर उक्त सभी लड़कों के आई कार्ड चेक किए। जिनके पास कॉलेज का कोई आइडेंटिटी कार्ड और कॉलेज में पढ़ने का कोई प्रूफ नहीं था, जिसके बाद सभी को एक बस में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुनाम के डीएसपी भरपूर सिंह ने बताया कि कॉलेज में कुछ दिन पहले पोस्टर लगाने को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। उक्त लड़कों से पूछताछ की जा रही है और उनके माता पिता को बुलाया जा रहा है कि जब उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है तो वे कॉलेज में क्या कर रहे थे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हाँ जी, साढ़े थे ना कुछ दिन पहला बाहरों आके मुंडिया ने पोस्टर लाए सी, उदे ते मंत्री साहब की भी फोटो छपी सी। सो उदे बारे सानू अगाऊ सूचना मिली सी, असी उन्हां मुंडिया नू जिहड़ा है इत्थों भजाता सीगा सारे स्टाफ ने इकट्ठे होके, तो बाहर सानू पता लग्गिया सी कोई उत्थे कोई उन्हां दी आपस च लड़ाई हुई है, तो पुलिस उस केस बारे थोड़ी सतर्क सीगी। अज उन्हां नू कोई सूचना मिली सी, अज असी नहीं उन्हां नू बुलाया, आपे ही उन्हां नू कोई उन्हां दी इंटैलीजेंस की कोई उन्हां नू सूचना मिली सी कि कुछ बच्चे आउटसाइडर 50-60 बच्चे कॉलेज के नेड़े फिर रहे ने भी वह लड़ाई कर सकते हैं। सो उस संबंध के इतने साढ़े को आए थे, उन्होंने सारा जोड़ा कॉर्डन से सर्च वगैरह किया, तो जोड़े कुछ शक्की बच्चे उन्होंने लगे जोड़े आउटसाइडर से उन्होंने लै गए। कुछ दिन पहला पोस्टर पिछे स्टूडेंट्स के लड़ाई हुई थी, सिविल हस्पताल को लड़ाई हुई थी, तो संबंध अज सू पता लग्या मेरे रीडर भी उत्थे 50-60 स्टूडेंट्स ने जोड़े आउटसाइडर कट्ठे हुए हैं। मैं चौंकी तो थाने के PCR की फोर्स इकट्ठी करके कॉलेज के दोनों गेट बंद करा के उन्होंने चेक किया, कई स्टूडेंट्स जोड़े आउटसाइडर थे वो असी आपका बस च लद के चौंकी लै गए, तो उन्होंने वेरीफाई किया जा रहा है, उन्होंने पेरेंट्स को इनफॉर्म करके उन्होंने बुलाया जा रहा है, ताकि आउटसाइडर ने जोड़े बार बार कॉलेज दे विच आके पढ़ाई दे माहौल नू डिस्टर्ब ना करन। ये सारी मुहिम है जिहड़ी ये पढ़ाई दे माहौल नू साजगार बनाउण वास्ते, ते जिहड़े वधिया स्टूडेंट्स ने उहनां नू दी डिस्टर्बेंस नू खत्म करन वास्ते कीती गई है। डायना पुल एंड स्नूकर अकादमी की ओर से पहला सिक्स रेड क्लब टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर अकादमी के मालिक सुखदेव सिंह ने कहा कि उनकी अकादमी की ओर से पहली बार ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, इससे खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को मोबाइल में गेम खेलने की जगह फिजिकल गेम्स को खेलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और डायना बिलियर्ड्स के बीच ही पहली बार सिक्स रेड टूर्नामेंट करा रहे हैं, और ये टूर्नामेंट किसी टाइम ये गेम सिर्फ क्लबों तक सीमित सी, बट अज साढ़े प्लेयर इंटरनेशनल खेलन तक जा रहे हैं, और अं चाहते हैं कि पंजाब के साढ़े प्लेयर भी इंटरनेशनल खेलन तक जाए। बीबी कौला जी चैरिटेबल अस्पताल की ओर से तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब में भाई साहिब भाई गुर इकबाल सिंह और भाई हरविंदर पाल सिंह की योग्य अगुवाई में MRI मशीन और CT स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जत्थेदार रघुवीर सिंह ने कहा कि माता कौला जी ट्रस्ट की ओर से जो प्रयास किया गया है वह प्रशंसनीय है, इससे गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर साहब जी विखे स्थित बीबी कौला जी भलाई केंद्र भाई साहब गोरख इकबाल सिंह जी तथा उन्होंने समुचे जथे वालों हमेशा मनुखता की भलाई वास्ते, समाज की भलाई वास्ते, धर्म के प्रचार प्रसार वास्ते बहुत चढ़ती कला वाले कार्य किए जाते हैं। उत्थे नाल ही बीबी कौला जी भलाई केंद्र विखे एक हस्पताल चलाया जा रहा है, जिस विच हर प्रकार के टेस्ट जिहड़े ने बहुत ही घट रेटा ते जो किए जाते हैं, और अज बहुत इस खेत्र विच बहुत वड्डी एक पलंग टुटदिया होया सेवा दा एक नील पत्थर उन्होंने कायम किया कि बीबी कौला जी भलाई केंद्र विखे एक MRI मशीन और एक CT स्कैन मशीन जिहड़ी है वह संगत की सेवा वास्ते उन्होंने जो है वह अज उद्घाटन किया गया। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हाँ भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी बीबी कौला जी भलाई केंद्र वालों का। विरसा विहार में ग्रीन स्पैरो सेंटर में स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ भारत के मुद्दे पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर पुनीत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान संस्था की इंचार्ज रमनप्रीत कौर ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से चलने वाले ग्रीन स्पैरो सेंटर में जहां लड़कियों को रोजगार उपलब्ध होता है, वहीं वेस्ट सामान से
अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं जिन्हें बाद में मार्केट में सेल किया जाता है, जिससे लड़कियों को रोज़गार मिलता है। इस मौके पर निर्मलजीत कौर, सुमन, रीमा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रमनप्रीत कौर है, मैं ग्रीन स्पैरोज़ तो बोल रही हूँ। तो अज असी विरसा विहार के सैकेंड फ्लोर के उपर अपने सेंटर के एक एग्जीबिशन कम सेल लगाई है वेस्ट मैनेजमेंट ते आधारित जो प्रोग्राम वे और ये साढ़े मानयोग जॉइंट कमिश्नर सर श्री पुनीत शर्मा जी पी सी एस ओ आए और उन्होंने साडा हौसला बढ़ाया ते नाल ही कारपोरेशन मैडम निर्मलजीत कौर ए पी ओ और साढ़े बहुत वे सहयोगी श्री पटेजा जी जिड़े कि एक मैडिकल लाइन के प्रोफेसनल ने ते नाल ही नाल बहुत वे समाज सेवक ने उन्हां दी प्रेजेंस दे नाल साढ़े को स्वच्छ भारत मिशन की टीम सी एफ सुमन मैडम टीना ते मोटिवेटर्स जिहड़े सी ओह पहुँचे सीगे ते अज असी इह सेंटर की ओपनिंग की है क्योंकि सेंटर काफ़ी देर का चल रहा पर जिहड़ियां वक्क वक्क चीज़ां असी तैयार कीतियां ने उन्हां चीज़ां नूं सेल करन दे लई ताकि जिहड़ियां औरतां जिहड़ियां लड़कियां इस प्रोजेक्ट नाल जुड़ियां ने और जिन्हां दे लई असी जिन्हां तों हैल्प लैके असी इह प्रोडक्ट्स तैयार करदे आं उन्हां दी अर्निंग हो सके। तो मैं सारे शहर वासियां नूं इनवाइट करदी आं कि इह एग्जीबिशन ते कम सेल वाला ये सेंटर लगातार जारी रहेगा। तुसीं अपना समां कढ़ के सेंटर विच जाओ ते नाले आके देखो कि साडियां लड़कियां ते औरतां किस तरह का क्रिएटिव काम कर दिया ने वेस्ट मैनेजमेंट करते हुए और दूसरा इको फ्रेंडली चीज़ा जड़िया ने उन्होंने खरीदने लिए जरूर पहुँचो तो साड़ी हौसला अफजाई। माँ बंगलामुखी जी के सिद्ध स्थान माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में संपूर्ण फलदायी अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में हुए इस हवन यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा आए हुए सभी माँ भक्तों से नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु का संदेश किसी एक वर्ण पंथ मजहब के लिए ना होकर समस्त संसार के प्राणियों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान गुरु के बताए मार्ग पर कर्म रूप से चलना शुरू कर दे तो वही इंसान सुखी होता है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि अक्सर इंसान परमात्मा को पहाड़ों मंदिरों धार्मिक स्थानों जंगलों में ढूंढता फिर रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जो ऐसे परमात्मा के दर्शन करवाए जो ना जन्मे ना मरे जो युगों युगों से हो जिसको कोई बनाने वाला नहीं है जो कण कण में व्यापक है इसके ज्ञान को धार्मिक ग्रंथों से मिलाकर भी देखो अगर पूरा निकले तो समझ लेना कि वही सतगुरु पूरा है। अगर ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो समझो कि गुरु अधूरा है फिर अन्य गुरु की भाल करो। इस अवसर पर श्रीकंठ जज श्वेता भारद्वाज मनमोहन भट्टी वैशाली अमरजीत सिंह मुनीश शर्मा अमरेंद्र कुमार शर्मा मनीष कुमार अमित कुमार सरोज कुमार राकेश प्रभाकर पूनम प्रभाकर सौरभ अरोड़ा भानु मल्होत्रा अभिलक्षे चुग संजीव शर्मा दिशांत शर्मा अश्विनी शर्मा करण भार्गव मनजीत सिंह डॉक्टर गुप्ता बाबा खन्ना केविन शर्मा पप्पू चौधरी अशोक शर्मा प्रिंस विक्रम शर्मा राकेश ठाकुर बलदेव सिंह दीपक उदय सौरभ मल्होत्रा मानव शर्मा अजीत कुमार रिंकू सैनी राहुल धीर गौरी शर्मा रोहित सिद्धू नवदीप प्रदीप शर्मा सुनील चक्की सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि माँ पीताम्बरा का प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान है गुलमोर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक माँ के भव्य मंदिर के अज मासिक संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिस दूरों दूरों आईया संगत ने कोई पठानकोट तो है दसूहे तो है दूरों दूरों संगत है कोई हिमाचल तो आए है हरियाणे तो आई है संगत बड़ी बड़ी दूरों कि नाम लीए कि ना लीए महामाई की संगत सवेर तो ही हवन यज्ञ शामिल हुई है और आके हवन यज्ञ आहुतियां डालियां अपने अपने जिहड़े भाव है माँ के चरणा च रखे है। महामाई के मूहरे यही अरदास बेनती है कि जगदम्बा सारियां दीआं भावनावां जिस दी जिहड़ी भावना नाल आया उत्ते कृपा करो और अपना मेहर भरिया हथ रखो। माँ बगलामुखी धाम हर वीरवार नूं निःशुल्क सवेरे 6 to 8 हवन यज्ञ का आयोजन करता है ऐदां ही हर शनिवार नूं भी शाम नूं 7 to 8 एक हवन यज्ञ का आयोजन हुंदा। यह सारे हवनों का एक संपूर्ण फलदायी हवन यज्ञ जिहड़ा अज होया वह संपूर्ण होया। मैं समूह संगत नूं
धन्यवाद कहना जिन्हों का पूरा सहयोग और पूरा जिहड़ा सानू साथ मिलता सारे वैब पोर्टलों का न्यूज़ चैनलों का प्रिंट मीडिया का मैं बहुत तहे दिलों आभारी हाँ कि जिन्होंने पूर्ण रूप च मंदिर पर जिहड़ा सहयोग दिता है और लगातार जिहड़ी मंदिर की कवरेज है वो करता रहिंदा है। मैं बहुत धन्यवादी हाँ समूह सारे सेवादारां दा और सेवादारां वल्लों आई हुई संगत दा। इस तरह ही महामाई सारे सेवादारां नूं अपना मेहर भरिया हथ दे और शरीरक निरोगता दे। जय मां बगला मुखी जी, जय मां बगला। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन को हवन यज्ञ कर विश्राम दिया। इस दौरान सुबह पहले रामायण जी के पाठ का उच्चारण और सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 4 बजे भजन संकीर्तन मंडली ने मनमोहक वचनों का गुणगान एवं श्री हरि नाम संकीर्तन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी अजयानंद महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। गुंडवी की हड्डियां और तालों को दिखाया भगवान ने, उनका नाश किया, सुग्रीव को विश्वास हो गया। बाद में गजपुष्पी की माला सुग्रीव के गले में डालकर भेजे। बाली से सुग्रीव का युद्ध हुआ, भगवान ने एक ही बाण में बाली का प्राण हर लिया। जब बाली मारा गया तो सुग्रीव जाके रोने लगे, मैंने बड़ा अनर्थ किया, अपने भाई को मरवा दिया, हमसे बड़ा दोषी कौन होगा। देखिए बाली ने फिर भगवान श्री राम से बड़ा कटु प्रश्न किया, ये बताइए कि अगर आपको अपनी पत्नी का पता लगाना था, रावण ले गया, तो मैं ही आपको रावण को पकड़ करके लाके दिला देता। इस कायर सुग्रीव से आप मित्रता किए, हमें मारे। आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं, धर्म हेतु अवतरे गोसाई हमारे मोह व्याध की नहीं, यही आपका धर्म है। भगवान ने बहुत सिद्धांत बतलाया, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनसठ कन्या समय चारी। तुमने अपने भाई की, छोटे भाई की पत्नी को रख लिया। बाली ने कहा यह सिद्धांत वानरों का है कि मनुष्यों का, पशुओं में ये कहाँ चलता है। राम जी ने कहा कोई पशु संध्या गायत्री जपता है, अगर तुम अपने को पशु मानते हो तो संध्या गायत्री क्यों करते हो। चारों समुद्र में रावण बाली संध्या करता है। अशोक कत्याल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अशोक कत्याल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व चेयरमैन तेजेंद्र बिट्टू, पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी, प्रोफेसर विपिन झांझी, प्रेम सिंह सियाल, गुरचरण सियाल, अजय चोपड़ा, बॉबी सहगल, अश्वनी पुरी, मनिंदर सिंह, कुकी बहल, मुनीश सहगल, अमित कुकरेचा, सौरभ खुल्लर, नितिन बहल, कमल शर्मा, भोलू राय और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी नलनी कतियाल, ऋषभ कतियाल, शिल्पा कतियाल, नीतू रिंकू सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अशोक कत्याल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा हो, सुख
भगवान ने जे जे अपने पास धरोहर होल हार हो कर रहे थे काले नहीं कंधी रेत ली दीवार वांगू खुल जाते लोग बने गलाने जाल रह दिया तुर जाते लोग बने। आज श्री अशोक कटा जी का जलाना बड़ा ही दुखदाई जो समाज सेवक आपको पहले ही विश्व जी सब बता चुके हैं कि नारद शर्मा की मालिक समाज सेवक और सब धार्मिक स्थानों में जाने वाले सबसे प्रेम रखने वाले आज आत्मा के लिए परम्परा के चरणों में जाचना वंदना अरदास आत्मा के लिए। तो आप सब जानते करें धार्मिक सामाजिक व्यापारिक लोग सब यहाँ उपस्थित हैं वक्त समुदाय के वक्त संप्रदाय के और वक्त विद्या में जुड़े हुए महान भक्त। बहुत ही दुख का समा है कि साढ़े दरम्यान एक बहुत ही ऊंची शख्सियत एक विलक्षण शख्सियत के मालिक श्री अशोक कटियार जी प्रभु द्वारा बख्शिश की गई सत्संग की पूंजी को निभाते हुए प्रभु चरणों में लीन हो गए। सत्संगत जी कहते हैं कि जो इंसान दुनिया के जन्म लेता है जिस दिन उसका जन्म होता है मौत का समा भी उसी दिन ही निश्चित कर दिया जाता है कि जेहा जी की इच्छा ते ही हुक्म कमाए कले अपने नाल का सत्य उठी जाए कि जदों सदा आता है तो इंसान को अपना सब कुछ हरिया भरिया परिवार कारोबार सब छड़ के उस प्रभु के चरणों में जाना पड़ता है। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसा होंगे ने जड़ी आपके जाने तो बाद वो यादा वो तुलांदा छड़ जाती ने जिन्हों को समाज के लंबे समय तक याद कर कटियाल साहब एक ऐसी ही शख्सियत सन। अपनी मेहनत के नाल अपनी ईमानदारी के नाल अपने संस्कारों के नाल एक एडा वड्डा साम्राज कायम किया शो बिजनेस की मानास शख्सियत बने और जिदा जिदा प्रभु ने बख्शिश की उस तरह समाज सेवा का काम भी करते रहे लोगों के नाल जुड़े भी रहे और हर जो भी बंदा उनके संपर्क में आया उसकी मदद की। अशोक कटियार जी ने अंतम अवतार को जुड़ के बैठे पूजे पंडित जी आए हुए सारे स्नेही परिवार के बहुत ही करीबी रिश्तेदार दोस्त मित्र अज आप सारे ही श्री अशोक कटियार जी की अंतम अवतार से जुड़ के बैठे सच्चा जी ने पूरे सत्कार के उन्होंने जीवन बारे दसिया समाजिक तौर के उत्ते वो बड़े मिलनसार और बहुत सारे लोगों ने जो उन्होंने सुना। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल लेखक रमेश शौंकी साधुराम कालिया सेवादार मास्टर हरिचंद शिव सहगल कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पार्टियों को मंदिर का समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्रमोहन ढिंगरा, दिनेश सागर ने भजन पार्टियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। उनके साथ अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वरिंदर शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी प्रदर्शनी हर संडे देवी तला मंदिर ते लगाई दी। इस प्रदर्शनी दे विच असी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, फिर असी ड्रामा का ज्ञान और बाकी दसीदा कि किस तरह कि सारे जिहड़े धर्म है वो आत्मा ते परमात्मा दा संबंध है। सारे जिहड़े है एक ही परमात्मा नूं याद करदे है, सारे आपस विच ब्रदरहुड है, भाई भाई। सो आत्मा दे ज्ञान बारे कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, चमकता हुआ सितारा, ये साडे मस्तक दे विच स्थित है, दोनों अखां दे विच ब्रिकुटी दे विच है और ये जड़ा है सदा अमर है और ये जड़ा है आत्मा, इस दे विच मन, बुद्धि और संस्कार हुंदा है और इसका कनेक्शन परम पिता परमात्मा नाल जो कि ज्योति बिंदु परम आत्मा है जिसका कभी जन्म मरण दे चक्कर विच नहीं है। बाकी सारी सृष्टि दी एक एक आत्मा जन्म मरण दे चक्कर जांदी है, एक परमात्मा शिव है जो कि जन्म मरण दे चक्कर विच है। फिर इस दे विच 5000 साल का युग कल्प है और इस 5000 साल के 4 युग है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों द्वारा बताया कि राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी द्वारा लोगों को योग से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के गांव बल्स चंद्र में 8 वर्षीय बच्चे का शव 72 घंटे बाद नहर से हुआ बरामद। नाना ने ही दामाद के साथ रंजिश के चलते दोते को दिया था नहर में धक्का। थाना कैंट के अधीन आते गांव रहमानपुर में चोरों ने बड़ी निडरता से चोरी की घटना को दिया अंजाम। 25 तोले सोने के आभूषण चोरी कर हुए फरार। होशियारपुर में दसुहा पुलिस की गाड़ी से 2 नौजवान हुए फरार। दसुहा कोर्ट में पेश कर वापस होशियारपुर जेल में जा रहे थे छोड़ने। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।